ठंड में अक्सर सभी को बॉडी एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है। गर्मी आते आते ये एक्ने चले तो जाते हैं, लेकिन अपने पीछे डार्क स्पॉट छोड़ जाते हैं। और आज की इस वीडियो में बिना पैसे खर्च किए इन डार्क स्पॉट से कैसे छुटकारा पाया जाए मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले इस ट्रिमर से अपने बॉडी हेयर्स को रिमूव किया है और आप देख सकते हैं मुझे चोट के निशान हैं पैरों पर, साथ ही बहुत सारे डार्क स्पॉट्स हैं जो एक्ने की वजह से हुए हैं। तो हम पहले बनाएंगे स्क्रब। स्क्रब के लिए हम राइस लेंगे, इसको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद, इसे वाटर में सोक करने के बाद हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। अब हम पैक बनाने के लिए नीम और हल्दी पाउडर को मिक्स करेंगे। ये दोनों ही इंग्रेडिएंट एक्ने को ट्रीट करते हैं, हल्दी डार्क स्पॉट को रिड्यूस करती है और हल्दी और नीम के अन्य के फायदों को आप गूगल भी कर सकते हैं। इस राइस स्क्रब में मैंने डीप क्लीनिंग के लिए मेरा नीम का फेस वॉश ऐड किया है, आप कोई सा भी फेस वॉश इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैंने बहुत अच्छी तरह से अपने लेग्स पर स्क्रबिंग की है एंड स्क्रबिंग के बाद तुरंत ही स्किन पर बहुत ही अच्छा ग्लो आया है जो आप देख सकते हैं। डेड स्किन को रिमूव करने के बाद अब बारी आती है हमारे पैक की। अब मैं पैक को अप्लाई करने के लिए पपाया ले रही हूँ। पपाया के कई बेनिफिट है, जैसे ये पिगमेंटेशन एंड डार्क स्पॉट को रिड्यूस करता है, स्किन को इंस्टेंट ब्राइट और ग्लोइंग दिखाता है, एक्ने को भी ये ट्रीट करता है एंड डेड सेल्स को रिमूव करता है। अब मैं अच्छी तरीके से पपाया की हेल्प से इस पैक को अपने लेग पर अप्लाई कर लूँगी एंड अप्लाई करने के बाद अच्छी तरीके से, जैसे कि मैं सर्कुलर मोशन में इसे अप्लाई कर रही हूँ, आपको भी ऐसा ही करना है। बेहद ही अच्छी तरीके से अप्लाई करने के बाद मैं इसको 10 मिनट्स के लिए अपने पैर पे छोड़ दूँगी। जब ये ड्राई हो जाएगा देन मैं इसको रिमूव करूँगी कुछ इस तरह, जैसे कि हम बुक पे को रिमूव करते हैं। एंड आफ्टर दैट मैं इसको वॉश कर लूँगी और वॉश करने के बाद कोई सा भी बॉडी लोशन या ऑयल आप लगा सकते हैं। पूरी तरीके से डार्क स्पॉट को रिमूव करने के लिए आप इसको हर दिन लगा सकते हैं, बस आप स्क्रब वीक में 2 बार कीजिएगा। एंड ये है हमारा फाइनल लुक।